नमस्ते, मैं डॉक्टर दीपा। आज का हमारा टॉपिक है ADHD के बारे में। बच्चे लोगों में भी दिखते हैं, बड़ों में भी दिखते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये है इसका फुल फॉर्म। देखिए, तीन है, तीन इसमें ये है। इन अटेंटिव रहेंगे बच्चे, बच्चे ध्यान नहीं दे पाएंगे। इम्पल्सिव रहेंगे, तुरंत आप कुछ करेंगे उसका जल्दी फटक से है ना उन लोग का रिएक्शन रहता है, ये चीज़ है। तीसरा ये है कि हाइपर एक्टिव रहेंगे। कभी कभी टीचर्स बहुत कंप्लेंट बोलेंगे, ये बच्चा एक जगह बैठता नहीं है, थोड़ा आप दिखा दीजिए डॉक्टर को करके ऐसे बोलेंगे। देखिए, और इसके साथ क्या क्या सिम्टम्स रह सकता है। पेट का तकलीफ रहेगा, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी कभी लूज मोशंस, ये रहता ही है। बच्चा एक जगह बैठने के लिए बोलेंगे, कुछ पढ़ने के लिए बोलेंगे, तुरंत उठ जाएंगे वहाँ से, वॉशरूम जाना है या कुछ खाने के लिए चाहिए, पानी चाहिए, रबर चाहिए, पेंसिल चाहिए, बहुत सारा रीजंस बना के बच्चे बैठते नहीं हैं। बाकी ये है कि देखिए, आप एक जगह पूरा अच्छे से एक रूम में क्लीन करके नीट करके रखेंगे, तुरंत आके है ना पूरा फैला देंगे, मिसी, बहुत मिसी करके रखेंगे। बाकी ये है कि आप कुछ खिलौना वगैरह दे देंगे, तुरंत उसको तोड़ फोड़ के, एक डिस्ट्रक्टिव ये है वो थोड़ा रहेंगे ये बच्चे में। बाकी देखिए, हम कुछ भी बोल रहे उस टाइम पे सुनेंगे नहीं, तुरंत और कुछ बताएंगे, इसका कुछ रिलेशन ही नहीं रहेगा, ऐसा कुछ बात करेंगे, ऐसे भी रहता है। थोड़ा स्पीच कभी कभी कोई कोई बच्चों में इतना क्लियरली नहीं रहता है, मगर कभी कभी बच्चे में वो क्लियर रहते हैं, दोनों इसमें होता है। बाकी देखिए, पेशेंट बिल्कुल पेशेंस नहीं रहता है, कुछ मांगेंगे तुरंत वो चाहिए ऐसा रहता है, थोड़ा जिद्दीपन ज़्यादा रहेगा बच्चों में। एंड ऐसा है कि पानी का क्वांटिटी वगैरह इतना नहीं पिएंगे, ये सब रहेगा। थोड़ा पढ़ाई में कम इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि एक्चुअली बच्चे लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, इस वजह से वो बच्चे का गलती नहीं है। अभी इसके लिए हम सॉल्यूशंस क्या क्या है देखेंगे। देखिए, मेनली फूड में आपको ध्यान रखना है, वाइट शुगर, वाइट राइस, वाइट मैदा, ये सब चीज़ेस आपको ज़्यादा नहीं देना चाहिए। बाकी चीज़ेस है बाहर का, कुछ भी प्रिजर्वेटिव्स ऐड किया हुए चीज़ेस है वो भी नहीं देना चाहिए। बाकी देखिए, पेरेंट्स है थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स के एक रोल इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट्स साथ देंगे ना, ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, नो डाउट। शायद पढ़ाई के इसमें ही थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, मगर उन लोग के पोटेंशियल, इतना एनर्जी लेवल रहेगा, वो हमें थोड़ा फाइंड आउट करके कौन से भी रास्ते में डिविएट करना चाहिए, मीन्स क्या करने के लिए पसंद है वो थोड़ा डिविएट करना चाहिए। एक्चुअली बच्चे बैठ के कुछ चीज़ करना बहुत मुश्किल है, सो उसके अनुसार क्या इसमें इंटरेस्ट है वो थोड़ा हमें डिविएट करना पड़ता है। बाकी डांटना या पनिशमेंट देना, कंपैरिजन करना, ये सब चीज़ेस कुछ ये बच्चे में फ़र्क नहीं आएगा, अच्छा फ़र्क तो नहीं दिखेंगे बच्चे लोग को हम ये सब करके। एंड पेरेंट्स का सपोर्ट से बहुत आगे बढ़ सकते बच्चे, इतना प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, इसके लिए आयुर्वेदिक में बहुत सारे मेडिसिंस बताए गए हैं, वो आप पास में कोई डॉक्टर है उनके पास जाके सलाह लेके आप दे सकते हैं बच्चे लोगों के लिए। देखिए, पंचगव्य घृतम है, एक्चुअली ये बच्चों में है ना घृतम मेडिकेटेड घी से काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत बच्चे आते हैं, उन लोग को भी घी वगैरह हम चालू रखते ही है, उससे बहुत बच्चे हाइपर एक्टिविटी है वो बहुत शांत हो जाएंगे, ऐसा है। पंचगव्य घृतम है, महापंचगव्य घृतम है, सारस्वत अरिष्टम है, सारस्वत घृतम, ब्रह्मी घृतम, घृतम का बहुत सारे वेराइटीज़ है, नलदादि घृतम करके वो भी काफ़ी इफेक्टिव है, अरिष्टम्स में भी है, चूर्णम में भी है, बहुत सारे हैं। बाकी देखिए, सिर पे भी तेल वगैरह रखने के लिए भी वो भी अलग से है, ब्रह्मी वगैरह उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे लोगों में। सो काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिंस है। थोड़ा पेरेंट्स का भी एक गाइडेंस अच्छे से चाहिए बच्चे लोगों के ऊपर, क्योंकि उन लोग अभी कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी फेंक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एंड हाइपर एक्टिव है, बैठते नहीं है, ये सब उन लोग का गलती नहीं है। मगर क्या है, आयुर्वेदिक मेडिसिन अब स्टार्टिंग से ही देंगे, मतलब काफ़ी इफेक्टिव रहता है वो चीज़। सो सब लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।